बदलाव होना चाहिए, है ना। तो बदलाव होते रहता है तो ठीक रहता है। माहौल है एकदम तटस्थ है, एकदम दोनों जाने में चाचा भतीजी में। तुम्हारे बोल रहे 4,000 पारे है, वो बोल रहे 400 पारे हैं, तो ये मैं अनुभव माने गड़बड़ा रहा है। मोदी प्रधानमंत्री बन गया, नया चेहरा। तो अब खाली लोग नेता लोग आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, फिर उसके बाद भुला जाते हैं। बिहार में चाहिए था ना फैक्ट्री, चाहिए था ना फैक्ट्री, है को मिला, खाली वादा करते हैं लोग, है करवा देंगे, हो करवा देंगे। हमारे क्षेत्र में आसान दोनों के जितना कहना बड़ा मुश्किल है। नरेंद्र मोदी काफी एनर्जेटिक लगे थे हमको अपने पहले चरण में, दूसरे चरण में उनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा मेरे ऊपर। हम लोग 10 साल जिताए तब कब तक ले मौका हम लोग, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। ये लोग का सरकार बनेगा बड़का झूठा पार्टी को, ये लोग देश और देश बेचने वाला ही लोग आदमी है। मीसा भारती या फिर राम कृपाल यादव, किसका होगा पलरा भारी, ये जानने हमारी टीम आ पहुंची है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता अपने सांसद को लेकर अपने मन में क्या सोच रही है, ये हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार जाएंगे और वोट डालेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? राम लड्डू सिंह यादव। क्या लग रहा है चाचा वोट? मीसा भारती के पलरा भारी है। हाँ। जीतेगी वो। अच्छा, एकदम विश्वास है कि वो पूर्ण विश्वास है काम करेगी। काम करेंगी, इनका तो कोई सुनवो न करता है अफसरों ने। अच्छा, 2 बार से मीसा भारती को हराए हैं राम यादव। हाँ, तो अबरी वो चांस एकदम पूरा पक्का है अबरी ने तो कहियो मीसा भारती का। हाँ। आके मिल के गयी की नहीं घूम उम के? हाँ, हमारे गांव में आई थी। आई थी, सुने की राबड़ी देवी भी आई थी। राबड़ी देवी मेरे गांव में नहीं, लेकिन मेरे गांव में मीसा भारती खुद गई थी। अच्छा अच्छा, क्यों पसंद आ रही है आपको मीसा भारती? इसलिए कि 5-10 साल इनका हो गया, अब बदलाव होना चाहिए, है ना। तो बदलाव होते रहता है तो ठीक रहता है। अच्छा, देश में कौन पसंद आ रहा है प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री अब जो बन जा, जेकर बहुमत होती है ना बनती बेटी। अभी जो है वो ठीक है कि नहीं? अब हमने तो उनका कुछ जानते न हो, तो हमने क्या सहारा वाला पैसा सब डुबा देना। हाँ, अमित शाह बोल रहे थे कि जाएगा 10,000। वो 10,000 आओ सबके, 5 गो हलवा हमरो इंश्योरेंस बेटी 60,000 के, तो वो सब 1,000 दोनों सब अथी भर के दिलीवा ले, पैसा ना नहीं आया पैसा ना बेटी। अच्छा, तो इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं सर? एकदम चाहते हैं कि मीसा भारती जीते हम लोग। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम तो गणौरी यादव नाम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं पाटलिपुत्र में? अब देख रहे हैं तो कुछ, अब कोई हम अभी नहीं आए हैं। नहीं आया? हमें अभी कोई नहीं आया। अच्छा, एक तरफ राम कृपाल यादव है। हाँ, जानते हैं सांसद है, वो भी फिर इस बार खड़े हुए हैं। हाँ, खड़े हुए हैं। तरफ मीसा भारती। हाँ। है, कौन पसंद है आपको? और परसों तो अबे दोनों अब कौन करेंगे? अच्छा, काम किए कि नहीं इस बार राम कृपाल यादव 5-10 साल में? ना, काम हमको देने नहीं किए। नहीं किए नहीं किया। कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए चाचा किसको पसंद कर रहे हैं सांसद के रूप में, कौन चेहरा? हम तो मीसा देवी के देंगे। विश्वास है एकदम उन पे काम करेंगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिव मिस्त्री। क्या लग रहा है इस बार, मतलब कौन आ रहा है सांसद के रूप में? अभी तो हमें लगता है कि मीसा भारती आएंगे। मीसा भारती आएंगे, जो राम कृपाल यादव काम नहीं किए? कोई काम नहीं, बल्कि 10 साल से कहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ, एक नल जल का है तो नलो जल हम लोग का पानी नहीं मिला है अभी तक। क्या उम्मीद है मीसा भारती से? उम्मीद तो है पूरा बहुमत, आएंगे तो काम करेंगे। हाँ। क्या क्षेत्र में चाहिए आपको काम? हम लोग का नल जल है, यह सब नहीं मिला है। नहीं, नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हम खुद पहुंचा। नहीं, कहूँ नहीं पहुंचा है अभी। नहीं पहुंचा है, समझिए कि 0 पॉइंट है। मिला है कि नहीं? हाँ, राशन तो मिलवे करता है। मिलता है। क्या नाम है? मेरा लोक कुमार नाम है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ का? जेएनएम का करा, जनरल नर्सिंग। अच्छा, तो युवा है आप, युवा के तौर पर किसको देख रहे हैं आप? हम तो मीसा भारती को देखना चाहते हैं। मीसा भारती जी, हमको तेजस्वी यादव बहुत पसंद है, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी भी देने वाले हैं। मेरा अगर डिग्री फाइनल होता है तो जॉब मिलेगा। मिलेगा जी, बिल्कुल। अच्छा, नीतीश जी बोलते हैं कि हम दिए क्रेडिट, तेजस्वी ले रहे हैं। नहीं तो पहले क्यों नहीं दिए? ये 17 महीना में तेजस्वी सरकार बना तब तो मिला है ना। हाँ। पहले कहाँ गए थे, सोए हुए थे।
ये गलत बात है। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी हाँ वही आएंगे तो परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन होगा जी। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रविंदर ठाकुर हुआ। क्या लग रहा है किसकी लहर चल रही है पाटलिपुत्र में? मिस भारती की चल रही है। मिस भारती और इस क्या देख रहे हैं उनमें? इसका पहले कोई विकास का काम नहीं हुआ 10 साल में। 10 साल में भी तो 2 बार मिस भारती खड़ी हुई थी। हाँ तो हार गई थी तुम तो। हाँ दया के राम कृपाल कहीं काम करे। नहीं काम किया है। हाँ हाँ मिस भारती। आप क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं सोचते हैं। वोट नहीं देते हैं? हाँ वोट देते हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? ये तो बताएगा जनता ही बताएगा। जनता आप नहीं है? हाँ तो जनता हम तो है ही। हमारा से वो हो जाएगा। मुद्दा क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? वोट सोचेंगे डालेंगे। क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ क्या हो रहा है देखिए। नाला बह रहा है, नहर में नाला बह रहा है देखिए। यहाँ पहले सिंपल में देखिए ना यहाँ नहर में नाला बह रहा है। तो आपके सांसद ना काम करवाएंगे? अरे ठीक है तो सांसद नेता सब तो बराबर है, करवाना चाहिए ना। इका लागत तो लग जाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या नाला बह रहा है। यहाँ करोड़ रुपया खर्चा करके नाला बन गया, लेकिन यहाँ व्यवस्था है कुछ है क्या? नहर में नाला बह रहा है। ये हाल है तो बारिश के दिनों में क्या होता है? क्या होगा बारिश? कुछ नाला है ना, नहर चलता है सिंचाई विभाग के लिए, तो इसमें नाला बह रहा है। मंदिर के बगल में नाला बह रहा है। नाला तो उठाएगा? हम ही उठाए। सब काम खत्म हो जाता है। कौन नेता पसंद आता है? किस पे भरोसा है कि वो काम करेगा? सब तो भरोसेमंद है ये है, लेकिन कहाँ कोई जितला के बाद सब ऐसी में रहता है। अच्छा और क्या? इस बार किस पे भरोसा जताना चाह रहे हैं? हम किसी पे नहीं। किसी पे नहीं? राहुल गांधी आए थे आज इधर। आज तो क्या हो गया? आके बोल के गए हैं कि आएंगे तो नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो नौकरी पढ़ा लिखा कर देंगे? अनपढ़ गवा के दे रहे हैं। यहाँ बिहार में चाहिए था ना फैक्ट्री उक्ट्री, चाहिए था ना फैक्ट्री है को मिला। खाली वादा करते हैं लोग कि हाई करवा देंगे, हो करवा देंगे। यहाँ कहाँ मिल रहा है? चाहिए था कम से कम 10 को फैक्ट्री, इतना खाली जगह है, चाहिए था ना फैक्ट्री। कहाँ मिल रहा है? तो खाली वादा मिलता है। तो क्या लगता है कौन नेता ही सब देगा? अब जो दे दे उसको मिलेगा वोट बढ़िया। आपके मन में क्या, किसी पे तो भरोसा होगा ना कि देगा? और वादा करके लोग मुकर जाता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी मिलेगा? पढ़ा लिखा का अनपढ़ का कुछ मिलेगा? जो दिल्ली पंजाब जाके खट रहा है, बिहार में नहीं खटता, यहाँ आके यहाँ फैक्ट्री रहता तो यहाँ खट्टा ना। अशोक कुमार। क्या लग रहा है इस बार काम हुआ है गांव में आपके? गांव में कहाँ हुआ है कुछ, खाली हुआ है तनी मानी नली गली बना है जो है आओ का। तो क्या इस बार नया चेहरा क्या देखना चाह रहे हैं? नया चेहरा तो अब खाली लोग नेता लोग आते हैं आश्वासन देके जाते हैं फिर उसके बाद भुला जाते हैं। किसको देख रहे हैं इस बार सांसद के रूप में? चुनाव आ गया अब। हाँ तो चुनाव आ ही गया। क्या होगा इस बार का मुद्दा आपका? अभी कैसे बताया जाए किस निशा भारती हैं। देखिए अभी तो उनकी का भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुदीन मियां। क्या माहौल है पाटलिपुत्र का? माहौल है एकदम तटस्थ है एकदम, दोनों जाने में चाचा भतीजी में। चाचा भतीजी में हाँ कस के लड़ाई आगे किसको कहे, दोनों में तटस्थ है एकदम। जनता के मन में कौन आगे है? जनता के मन में तो अभी मीसा भारती आगे है, भतीजी को आगे कर रहे हैं। हाँ। भरोसा है कि काम करेंगे आगे? हम तो करेंगे नहीं तो नहीं। क्या मतलब कारण क्या है तेजस्वी यादव? कारण है क्या? खाली वो लोग अथी करते है, सब चीज कागजे पर चल रहा है। शराबबंदी बंद है, बंद है, शराबबंदी चालू है। अबकारी वाला पकड़ता है 10,000 लेके छोड़ देता है। लोग उन लोग को थोड़ी पता है आओ का कहा। मीसा भारती पे भरोसा? हाँ मीसा भारती पे भरोसा। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर चल रही है? लहर चल रहा है सरकार तो बीजेपी के बनेगा, लेकिन पहले से कम सांसद रहेंगे पूरा भारत में मेरा समझ। 40 में 40 नहीं आएगा? नहीं आएगा बिहार में, नहीं आएगा। और आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में आसान दोनों के जितना कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम से मार्जिन से कोई जीत जाए इतना हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों बहुत तटस्थ है। टक्कर है एकदम कड़ी टक्कर। हाँ टक्कर रहेगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। राहुल गांधी आ रहे चाहे जी आ रहे उससे का मतलब है? 60 साल से 75 साल से राहुल गांधी के तो लोग देखे ही नहीं, न देखे हुए थोड़े। पीएम मोदी भी इस बार पटना में रोड शो करके गए हैं, उसका कुछ असर होगा कि नहीं? एकदम से असर होगा, ना होगा। पटना तो दोनों पटना के तो टोटल वोट बीजेपी जीतता है आज से नहीं शुरू से, तो उसका तो कन्फर्म है कि जीतना है। ऐसा कोई कुछ गांव में मोदी लहर है कि नहीं? जरूर है, जो समझदार है वो जाएगा वहीं वोट, जो समझ रहे हैं जो समझदार है वो जाएगा वोट वहीं, उधर ही जाएगा। उधर ही जाएगा। अच्छा
क्यों ऐसा? तो ये लोग के तरफ जो जाएगा वो बेवकूफ कहलाएगा। नो जानकारी है, चाहे अपना अपना स्वार्थ है। अब 5 किलो कह रहे हैं कि अनाज दे के कर रहा है, अनाज के चलाया था ये सब पूछा कि मनमोहन सिंह के देवल था ये दिया है अनाज। अनाज तो मनमोहन सिंह के दिया हुआ था, ये खाली पैसा नहीं ले रहा है। तो 5 किलो ला बुढ़ा बूढ़ी लाइन लग रहा है, पहले लोग लाइन नहीं लगता था न रहता था। पहले 5 रुपया पैसा मिलता था किसान के, 5 रुपया पैसा 6,000 खाता बजा न रहा है। वृद्धा पेंशन में CO BDO मरलों के ठेप्पा लगा के निकाल लेता था। ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया तो कोई सुन लग रहा है, खाता में जाके निकाल न रहा है। समस्या तो बहुत सारी समस्या, काम तो होबे किया है, न हुआ था। यहाँ से पटना के लिए एगो रोड था 20 साल पहले, पटना में इतना ओवर ब्रिज था, नहीं कैसे काम हो रहा है। मतलब रामकृपाल यादव से खुश हैं आप एकदम? ना खुश तो नहीं है, सबको अपना अपना है, लेकिन अब लाचारी ऊपर से देखा जाता है। एक ही को अपने हमरे को समस्या से समस्या के समाधान नहीं हो सकता है, बहुत समस्या है। पहले 18 घंटा में दिल्ली लोग जाता था, 24 घंटा में जाता था, अभी आ रहा है कि 9 घंटा में लोग जाएगा। एक दूर कितना आकाश पर विकास चाह रहे हैं, यहाँ खाली विकास देखने से। महंगाई तो रहेगा, जनसंख्या इतना ले हो गया, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी कुछ है। एगो काम करने के लिए आदमी खोजिए तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पहले आदमी को भूखे मरता था, आज के दिन में कोई आदमी भूखे नहीं मर रहा है। महंगाई हो गया तो खाली अथिया के महंगाई हो गया, डलडबा चिनिया के, और 8 लाख रुपये के जगह पर बिक रहा है 40 लाख रुपये कट्ठा, तो पहाड़ पर चल गया। रोडवा बना, दुनिया हुआ, शांति हुआ, तब न जाके 8 लाख 10 लाख रुपये 40 लाख रुपये कट्ठा बिकने लगा है। 18 घंटा में साला तो 24 घंटा में 8 घंटा लाइन न रहता था, अब 24 घंटा में 22 घंटा लाइन रहता है, नहीं कैसे हुआ है। रोड पर यहाँ चलने का रोड बन रहा है, रोड छोटा हो जा रहा है, इतना लग गाड़ी आ गया, विकास ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है भैया? सुधांशु। क्या करते हैं? स्टूडेंट है फिलहाल। तो स्टूडेंट है। युवा नेता के तौर पर कौन पसंद है? युवा नेता के तौर पे क्या बोले, सब तो एक ही जैसा है फिलहाल, कोई नहीं। नोटा दबाने वाले हैं हम। नोटा? हाँ जी। क्यों, यहाँ पे एक तरफ रामकृपाल यादव, दूसरी तरफ मीसा भारती है, कौन पसंद है? कोई नहीं। क्यों ऐसा? वोट किन्हीं को दे दे आखिर में आके, दोनों को तो फिर वही करना है। जनता का किसको ध्यान रहता है? 5 साल में तो लोग आते हैं 10 दिन, उसके बाद कहाँ रहता है हमारे नेता लोग, फिर बस। मतलब आप देश के युवा, देश के भविष्य हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपको किसी नेता पर विश्वास नहीं है? हाँ बिल्कुल विश्वास नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं और नौकरी देंगे, तो करके दिखाएं। बोले कि 17 महीने में हम दिए हैं नौकरी। 17 महीने में नौकरी दिए हैं वो, तो हमको ऐसा नहीं लगता है, दिए भी हैं नहीं भी दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दिए हैं वो, तो किस पे विश्वास किया कैसे जाए? लगते हैं नीतीश कुमार? हमको ठीक नहीं लगते हैं, नहीं पसंद। पर्सनली हमको पसंद नहीं है। क्यों पर्सनली पसंद? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी वो कह रहे कि बीजेपी के साथ, मैं बीजेपी के साथ पसंद नहीं है, अभी वो बीजेपी के साथ है। अगर उनके साथ फिर कुछ होता है तो फिर वो राजनीति में पलट करके वापस से RJD के पास चले जाएंगे। आप मान रहे हैं कि पलटू चाचा है? हाँ बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कैसे? नरेंद्र मोदी काफ़ी एनर्जेटिक लगे थे हमको अपने पहले चरण में, दूसरे चरण में उनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा मेरे ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन का काफ़ी अच्छा लगा था हमको जब उनका पहला कार्यकाल था, पर दूसरा में उनका कुछ खास प्रभावी नहीं रहे, तो वो नहीं रहा जो पहले वो थे। अब नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको कोई पसंद नहीं है? फिलहाल तो कोई नहीं। नोटा पे देंगे? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। यही के रहने वाले हैं? क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? काम किया? देख ही रहे हैं, अगर जाम की समस्या रहती है बस, ऐसे तो काम होते रहता है। क्या मुद्दा होगा इस बार? विकास। विकास? जो विकास करेगा वो। कौन सा चेहरा पसंद आ रहा है? वही कौन? अंधभक्त। अंधभक्त कह रहे हैं आप कैमरे पे? किसके अंधभक्त हैं ये भी बता दीजिए। नहीं बता सकते ना। अच्छा। क्या नाम है? आचार्य मुन्ना प्रसाद। अच्छा, चुनाव आ गया, इस बार का क्या मुद्दा है आपका? वोट डालने तो जाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई और विकास। अच्छा, सब नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इस बार सांसद के रूप में अपने क्षेत्र के लिए किसको देख रहे हैं? अभी जो इन मुद्दों को लेकर के मैदान में है, हम उन्हीं के ऊपर विचार करेंगे। वही पसंद है? हाँ वही पसंद है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या राय रखते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं,
हाँ बिहार आ रहे हैं, उनको लगता है कि बिहार में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री के हिसाब से देखें तो अच्छा काम भी कर रहे हैं। आपके बिहार के लिए काम किए कि नहीं? जिस उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट किया, उस उम्मीद के साथ उन्होंने विकास का काम नहीं किया। चूँकि 40 में 39 सीट जब जीत करके बिहार के लोग दिया है, तो बिहार के लोग यह जानना चाहते थे, या उनको काफ़ी उम्मीद थी, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ के लोगों का लंबे अरसे से मांग रहा है, वो नहीं मिल पाया, या यहाँ बेरोजगारी के ऊपर नहीं हुआ, जैसे हमारे लोग यहाँ पर रेलवे में बहुत जाते थे, सेना में जाते थे, बैंक में जाते थे, उन सारे जो वैकेंसियाँ थी वो बंद हो गए, तो लोगों को निराशा हुई। उनके शासनकाल में कोई बड़ा सा उद्योग नहीं लगा, जैसे इसके पहले यहाँ रेल कारखाना लगा, चक्का का कारखाना लगा, डब्बा का कारखाना लगा, या युद्ध फैक्ट्री लगा, उस तरह से कोई कारखाना बिहार में नहीं लगा, लगना चाहिए था। यहाँ कई चीनी मिलें बंद हैं, उसके बारे में भी लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि चालू होगा, लेकिन उस तरह से कुछ नहीं हुआ, तो लोगों में यह तो सवाल है। जनता को निराश कर दिया प्रधानमंत्री? निराश, जनता कभी निराश नहीं होती, जनता हमेशा उम्मीद में, हाँ उम्मीद में रहती है कि अब बेहतर होगा, अब बेहतर होगा। जनता जिस दिन निराश हो जाती है तो सरकार बदल देती है। तो इस बार निराश है, इस बार क्या उम्मीद है, क्या होगा? नहीं, उम्मीद क्या है, यहाँ के लोगों को तो यही मांग है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो, विकास मुद्दा है। हाँ, मुद्दे की जो बात है, बन नहीं रहा तो बताइए कहाँ विकास? अरुण कुमार सिंह, बताइए कि पुल नहीं बना, कितना कष्ट हम लोग का होता है, तो हम लोग 10 साल जिताए, तब कब तक ले मौका हम लोग दें? कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, हम लोग काम नहीं देखेंगे? बोले थे कि 15 लाख मिलेगा, हमको 1 रुपया नहीं मिला खाता, तो हम कहाँ का कर? 15 लाख का बोला था कि पॉकेट में, हाँ खाता मिलेगा मेरे पास। गलत बात है, बोला लाभ होगा, लाभ हो नहीं रहा है, करोड़ों करोड़ पकड़ा रहा है, तो किसको मिल रहा है? किसी का पॉकेट में चला जाएगा कि देसे कुछ मिलेगा? उससे न काम हो रहा है, क्या बोल रहे? और क्या करेगा? मोदी प्रधानमंत्री बन गया, तो रिजल्ट आना बाकी है। अरे वाह, आया आया हुआ है मोदी जी का। हाँ हाँ, कुमार बोल रहे की 4000 पारे है, वो बोल रहे की 400 पारे है, तो यही में अनुभव माने गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ाएगा उनका सरकार में बोल रहे की 4000 पार, यहाँ 4000 सीटों 4000 पार बोल रहे हैं। ये लोग का सरकार बनेगा, बड़का झूठा पार्टी को, ये लोग देश और देश बेचने वाला ये लोग आदमी है, तो एक ऐसे बड़का आदमी है, अरे बड़का आदमी क्या बोलेगा, वो गरीब ना बोलेगा, बोला 5 किलो राशन, बाप कहाँ से राशन दे रहा है, क्या 600 का 1200 गैस के ले रहा है, कला घर से राशन दे रहा है, आपके यहाँ से तो मिसे भारती है, हम लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश में किसको देखने प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, और किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को जी, तो आए थे, भेंट करने गए थे हम लोग, पालीगंज से अभी आ रहे हुए, से आ रहे हैं, उन्हीं को था, उन्हीं को क्या अगर आएंगे? और बहुत किसी इनका लिखा बोला ना कि 15 लाख देंगे, वो 8000 बोला, चाहे नहीं बोला, बाकी उनसे अच्छा काम करके गए थे, 40 साल मैंने वो राज करा, चाहे 30 साल करे, उतना महंगा नहीं, महंगाई करके चला गया, बढ़ा दिया मैंने, 300 सब्सिडी देते थे, 600 में गैस, आई 1200 में 79 रुपये सब्सिडी दे रहे, क्या जनता के लाभ कर रहे हैं? तब उसको खाएगा से गाएगा, हम लोग खाते नहीं ना गाते हैं, पर कुछ बदलाव होगा जब जरूरी भी है, जनता ला भलाई है। हमारा तो सोच है कि देश में तो देश हित के लिए तो काम हो ही रहा है, महंगाई से का लेना देना है। अच्छा, बिहार हित के लिए काम हो रहा है कि नहीं? चलिए बिहार पे बात करते हैं। बिहार हित का तो कोई अभी तक कोई सा काम नहीं हुआ है, 40 में से 39 सीट मिला था एनडीए को, काम किए बिल्कुल नहीं, नहीं वो नहीं, वैसा तो नहीं हुआ है, वैसा हुआ नहीं, यहाँ का कोई विकास नहीं। क्या है मिजाज इस बार का? मिजाज तो है, हम लोग तो मतलब बीजेपी को साथ में है ही है, बीजेपी को वोट देना है, कारण कि देश हित में जो काम करेगा उसके लिए हम लोग हैं। राज्य हित की बात आप अभी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो अपने ही एगो राज्य को लेकर नहीं ना चलना है, सारे देश को तो देख के चलना है ना। ठीक है, ये बात सत्य है कि बिहार का विकास ठीक है, नीतीश बाबू जितना इनके स्तर से बना है किए हैं, लेकिन केंद्र को चाहिए था। चलिए ठीक है, सांसद पर बात करें तो आपके क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं? काम तो हो ही रहा है, हो रहा है। बिल्कुल, तो इस बार कौन लग रहा है आ रहा है? चाहिए तो अब किसको कहें, जनता का मूड है किसी को जिता दे, ठीक है। आप क्या नाम है जी?
बाजार में आई हैं सब्जी खरीदने? हाँ, सब्जी खरीदने आए हैं। दाम वाम ठीक लग रहा है कि नहीं सब्जी का पहले के मुकाबले? ठीक लग रहा है, चल रहा है घर ठीक से। चुनाव आ गया, कोई आया कि नहीं नेता वेता मिलने? आया नेता मिलने। कौन नेता मिलने? मीसा भारती आई, मिली थी। क्या बोल के गई हैं? बोल के गई हैं कि जो वादा करके गई हैं कि जो लेना देना है ये सब करेंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, गैस देंगे और 1 लाख रुपया की परियार्थी किए हैं। क्या सोची हैं आप? क्या सोचे हैं? सोचे हैं कि वोट देने के बारे में मीसा भारती को देंगे हम लोग। हाँ, विश्वास है। हाँ, दम विश्वास है। तो काम करेंगे। हाँ हाँ, करेंगे, महिला के लिए करेंगे। हाँ, चाहे वो हार चाहे जीत, हार चाहे जीत देंगे, मीसा भारती को देंगे, ललटेने को देंगे। तो अभी हम पाटलिपुत्रा की जनता से बात कर रहे थे, सब्जी बाजार में मौजूद थे और बाजार से ज़्यादा अच्छा जगह कोई नहीं हो सकता है जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, क्योंकि यहाँ तरह तरह के अलग अलग गांव के लोग आते हैं और उनके मन में जो बात चलती है वो भी अलग तरह की होती है और उन बातों को आप तक पहुँचाने का हम काम कर रहे थे। बाकी यहाँ पर 1 जून को चुनाव है आखिरी चरण में, उसके पहले कभी पीएम मोदी पटना आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों पर उसका असर देखने को मिल रहा है, तो कभी राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि यहाँ पर सांसद कौन आएगा। वो परिणाम 4 जून को आपके सामने आ जाएगा। हमारे सहयोगी रौसेफ के साथ मैं वंदना, धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।